माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं जिन स्टूडेंट्स ने नीट के लिए अपीयर होना है उनके लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं पिछले 34 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। पहले मैं ये वाला जो वीडियो है ये बना रहा हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन पे। तो अगर आप नोट करेंगे 34 इयर्स में 53 क्वेश्चंस यूनिट्स एंड डायमेंशन से आए हैं। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हर साल एक या दो क्वेश्चन तो इससे अपीयर होते ही हैं, और ये चैप्टर भी ऐसा है जिसमें पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी कवर हो जाती है। और आप ध्यान से करेंगे, ये एक तरह से पूरे ही फिजिक्स का आपका रिवीजन होता है। तो हम शुरू करते हैं, आप इनको ध्यान से देखें। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो मैं दे दूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। अब यहाँ पे ये दिया है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दैट मीन्स आप देखेंगे कोई भी फार्मूला जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आती हो। तो हमारे पास एक फार्मूला है, जैसे सपोज करें ये आपके पास कोई मटेरियल है, इसका टेम्परेचर है टू सर्फेसिस, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे आप हीट इंसिडेंट कर रहे हैं Q अमाउंट, और एरिया इसका है A, थिकनेस इसकी है D, और T टाइम के लिए आप इसके ऊपर इसमें से ये हीट पास करते हैं। अब नेचर जो है इसकी मटेरियल की नेचर, उसके लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं के, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू दिस विल डिपेंड अपॉन एरिया, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा या जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा आप कह सकते हैं, उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी, लेकिन ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी हीट कम फ्लो करेगी। एक चीज़ इसके अंदर आ गई, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, इसको हमने निकालना है। अब आपको पता है दिस इज़ एरिया, दिस इज़ डिस्टेंस। अगर हम सिर्फ डायमेंशन का ख्याल रखें तो यहाँ पे हम खाली डी ले सकते हैं। दैट मीन्स के विल बी इक्वल टू क्यू, आपके पास न्यूमिनेटर में आएगा, ये सारी की सारी क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में आ जाए, डी टी एंड डेल्टा टी, दैट इज केल्विन। सो दिस इज, अगर मैं क्यू को टी से डिवाइड करूँ मेरे पास वाट आता है। एक नज़र आपके पास, आपकी नज़र एक इसकी ऑप्शंस पे भी होनी चाहिए। वाट है इसके अंदर, यस वाट आएगा। डी जो है ऊपर जाके मीटर इनवर्स, और डेल्टा टी ऊपर जाके के इनवर्स, दैट मीन्स ऑप्शन इज ए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पे लिखा है डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, दैट मीन्स डैम्पिंग फोर्स इज फोर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स को, तो हम ये नहीं देखेंगे डैम्पिंग फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वट एवर काइंड ऑफ फोर्स इज दिस, बट दिस इज फोर्स, सो दिस विल बी हैविंग डायमेंशन दैट ऑफ फोर्स ओनली। और ये दिया है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस K के जो डायमेंशन हो जाएंगे दैट इज F अपॉन V। ये काफ़ी सिंपल है, अगर आपको डायमेंशन याद हैं तो आप यहाँ पे डायमेंशन लिख सकते हो MLT-2, वी के LT-1। अगर नहीं पता है तो आप फार्मूला लिख सकते हो, यूनिट्स पता है यूनिट्स लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज किलोग्राम, दिस इज मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास आ गया किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन सी इज देयर। सिमिलरली आप थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगेन आपको देखना है कि एप्सिलॉन नॉट आपने कहाँ पढ़ा है, आपने ये कूलम्स लॉ में पढ़ा है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्यू वन क्यू टू नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस चीज़ से क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
हमको तो फार्मूले को शॉर्ट रखना है, एज मच एज आई कैन। अब यहाँ पे 1/4 pi, इट हैज़ नो यूनिट्स, इट इज़ जस्ट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, बट एप्सिलॉन नॉट इज़ देयर, सो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स मैं निकाल सकता हूँ, एफ आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इज नॉट एफ आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको ध्यान से करना है ताकि आपकी गलती ना हो, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखें किसके साथ ये मैच कर रहा है, दिस इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट इज वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपने नहीं पढ़ा होगा मे बी, बट स्क्रू गॉज आपने देखा होगा। सो व्हाट इज स्क्रू गॉज? ए स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। इस तरह का स्क्रू गॉज होता है, यहाँ पे आपके पास एक एक्सल टाइप चीज होती है जो घूमती है, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल, और इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल होती है। अगर ये सर्कुलर स्केल एक पूरे चक्कर में 1 millimeter मूव करती है तो इसका मतलब हम कह देते हैं इसकी पिच जो है 1 millimeter, अगर 0.5 millimeter मूव करेगी तो 0.5 millimeter, और इसके ऊपर जितने डिवीज़न मूव करते हैं दैट मीन्स सपोज करो 100 divisions हैं तो 1 millimeter के कॉरस्पॉन्डिंग 100 divisions मूव करेंगे। इसका मतलब 1 division के कॉरस्पॉन्डिंग भी आप रीडिंग ले सकते हो, और वो कितनी होगी, 1/100 mm। तो ये इसका हो जाता है लीस्ट काउंट। मैंने थोड़ा सा आपको इसका आउटलुक दे दिया, इसको बोलते थे हम लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे जो है मेन स्केल रीडिंग, इसका मतलब ये है कि बहुत थिन कोई चीज़ है कि मेन स्केल रीडिंग 0 ही है उसकी, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गया 0। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52, दैट मीन्स 52 divisions के कॉरस्पॉन्डिंग वो कितना मूव किया है। दिया है आपको गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड, ये सेम है 1 mm कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 divisions, दैट मीन्स ये सेम आ गया। तो 52, दिस बिकम्स इक्वल टू 0.01 mm और 0.001 centimeter। यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा सेंटीमीटर या मिलीमीटर आपने क्या लेना है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको ले लेंगे कि एक डिवीज़न में ये इतना मूव करता है तो 52 divisions में वो कितना मूव करेगा, 0.052 centimeter, ये रीडिंग हो। दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द वायर जो आपने इसमें ली थी, दैट इज ए ऑप्शन इज देयर। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन, ए स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट। यहाँ पे लीस्ट काउंट आपको पहले ही दिया हुआ है, यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे ये 0.01 mm है, तो आंसर देखने के बाद ही आप इस यूनिट्स को चेंज करोगे। आंसर में mm ही है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। एंड देर आर 50 divisions इन द सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो आपको बोला है पिच कितनी। अब यहां पे देखें आप, पिच पूछा गया है। अब लीस्ट काउंट क्या मतलब, एक डिवीजन को मूव करने से 0.01 mm मूव करता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि 1 division को मूव करने से 0.01 mm मूव करता है, तो 50 divisions को मूव करने से कितना मूव करेगा वो उसकी पिच हो गई, दैट इज 0.5 mm।
दिस इज पिच, सी ऑप्शन इज देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स. इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर. परसेंटेज एरर दे रखें, इस चीज को आप ध्यान से देखो कि पर जहां भी परसेंटेज एरर दे रखें आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली एरर्स को एड अप करना होता है. कैसे एड अप करना है ये इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं. एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी हाफ सी वन बाय थ्री एंड डी क्यूब. ये कैपिटल है, मैंने स्मॉल ले लिया, दैट इज नो प्रॉब्लम. 1% 2% 3% 4%. अब अगर परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है, ए स्क्वायर मींस ए इज मेजर्ड टू टाइम्स, दैट मींस जो ए में एरर है 1% वो मैं दो बार लूंगा, दैट मींस मेरे पास 2% आ जाए. प्लस बी इज मेजर्ड हाफ टाइम, दैट इज यहां पे 2% है, इसका मैं हाफ ले लूंगा तो 1% आएगा. सी इज मेजर्ड 1/3 टाइम, सी इज 3%, तो 1/3 आपके पास. डी इज मेजर्ड 3 times, 4% है, 3 times मेजर करूंगा तो ये 12% आएगा. तो ये मेरे पास आ गया 16%. सो दिस ऑप्शन इज सी. यहां पर एक चीज और मैटर आपने ध्यान देना है कि चाहे डिवीजन है यहां पे, आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, आपको सब एरर्स को ऐड ही करना है. क्वेश्चन नंबर 7. मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजंस पर सेंटीमीटर. एन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद एन माइनस 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल. अब आपने वर्नियर कैलिपर भी देखा होगा, यहां पे जॉ होता है जिसको जबड़ा बोलते हैं. यहाँ पे आप इसमें कोई भी चीज़ जिसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, उसको यहाँ पे लगाते हैं और ये एक स्केल पे जुड़ा होता है. ये मेन स्केल बोलते हैं, इसके ऊपर वर्नियर स्केल होवर करती है, घूमती है इसके ऊपर. ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल. मेन स्केल का डिवीजन है जैसे यहां पे दिया है, एंड डिवीजन, जैसे यहां दिया एंड डिवीजन पर सेंटीमीटर, दैट मींस मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 centimeter है और यहां पे एंड डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के एन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू एन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन. तो इसका अगर आपने लीस्ट काउंट निकालना है या वर्नियर कांस्टेंट निकालना है, ये होता है इन दोनों का डिफरेंस. अगर आप यहां से देखेंगे कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, दैट मींस वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा है क्योंकि जितने डिस्टेंस के अंदर n डिवीजन आए हैं मेन स्केल में उसके अंदर n माइनस 1 आए, दैट मींस वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा है. तो हम यहां पे डिफरेंस लेते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. दिस इज वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट. तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इज एन माइनस 1 अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन. तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा यहां से, मेरे पास सिंपल सा आ रहा है 1/n मेन स्केल डिवीजन. मेन स्केल डिवीजन कितना बोला था, सेंटीमीटर, 1 centimeter, दैट मींस दिस इज 1/n सेंटीमीटर. तो हम देखते हैं इसमें पूछा है लीस्ट काउंट ही पूछा है, तो 1/n सेंटीमीटर, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.
A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. Least count आपको दे रखा है 0.001 centimeter. Main scale reading is 5 mm. इसका मतलब वो इस स्केल के ऊपर जो सर्कुलर स्केल है वो इतनी पीछे चली गई है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इतना आ गई कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 5th division 5 mm. एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड्स विद 25 division. और यहाँ पे जो है ये 25 division है. पहले जबकि इनिशियली जब आप इसको पूरा टाइटन कर देंगे तो यहाँ पे ये जीरो होना, जहाँ पे 25 है यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए. यहाँ से शुरू होता है. अगर जीरो से नीचे होगा, अगर सपोज करो 95 होगा, दैट मीन्स 5 division वो नीचे मूव कर रहा है. यहाँ पे 95 होगा. इफ स्क्रू गोज है जीरो एरर ऑफ -0.0, यहाँ पे जीरो एरर, इसके अंदर जीरो एरर भी है. जीरो एरर इज -0.004. माइनस दैट मीन्स दिस इज शॉर्ट ऑफ 4th division. शॉर्ट ऑफ 4th division रीचिंग जीरो. मतलब अगर हम देखें कि स्केल कैसी होगी, इनिशियली स्केल ऐसी थी कि जीरो जो था यहां पे जो था दिस इज 96 और जीरो यहां पे था. मतलब ये 4 divisions नीचे था जीरो. तो अगर इसको 25 पे, अब 25 कहां होगा, 25 कहीं आगे जाके होगा. अगर ये डिवीजन यहां मूव करना है तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स विल हैव टू बी मूव्ड 25 ये 4 ये, दैट इज 29 divisions. सो एक्चुअल रीडिंग क्या हो गई, 29 divisions उसने मूव किए 0.001, ये हो गई 0.029 centimeter. 5 divisions वो पहले ही मूव कर गया था, दैट इज 0.529 centimeter विल बी द रीडिंग. नाइन्थ क्वेश्चन. In an experiment, 4 quantities A, B, C, and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Quantity P is calculated as. P को दिखा रखा है P equal to A cube, B square, C D. और परसेंटेज एरर है 1%, वैसे ही है जैसा पीछे किया था. 1% कोरस्पोंड्स टू ए, दैट मीन्स 3%. 2% कोरस्पोंड्स टू बी, दैट इज 4%. 3% कोरस्पोंड्स टू सी, दैट मीन्स 3%. एंड 4% कोरस्पोंड्स टू डी, दैट इज 3%. 4% 14%. टेंथ क्वेश्चन. A student measures the distance traveled in free fall of a body initially at rest. In a given time, he uses his data to estimate g, the acceleration due to gravity. This is acceleration due to gravity or acceleration, क्योंकि हम dimension कर रहे हैं तो हम acceleration ले सकते हैं. If the maximum percentage error in measurement of distance and time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the determination of G. आपको पहले दे दिया कि percentage error distance और time में क्या है, E1 and E2. जैसे आपको ऊपर वाले में दिया था ये कि एक में 1% है, एक में 2% है, यहाँ पे just E1 and E2 values दे रखी हैं. तो अगर मैं देखूँ G is equal to distance upon time square, तो इसमें percentage error होगा is equal to percentage error in S plus 2 into percentage error in T. और वो आपके पास है E1 plus
2E2. So this option is B. Question number 11th. If the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume of the sphere. Aapko formula pata hai. Volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Ye quantity aisi hai, isko na to measure kiya jata hai. These are simply numbers. So percentage error in volume is equal to 3 into percentage error in radius. That is 3 into 2%, 6%. Question number 12. The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length are 3%. Again, exactly same question. Density is equal to mass upon volume. And percentage error in density is equal to percentage error in mass plus percentage error in volume, and that is given to you 3% plus. But यहाँ पे आपको percentage error दे रखा है 2%, किस में? ये length में दे रखा है, और length का cube होता है volume. That means you will do 3 into 2%. That means 9%. D option is there. Next question is 13th. Percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3%. Again, this is quite simple. Kinetic energy is equal to half mv square. और इस क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जाता, इसको मैं डिडक्ट करता हूं, और परसेंटेज एरर इन ई इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एम प्लस 2 × परसेंटेज एरर इन वी. दैट इज आपको गिवन है 2% and 3%, दैट इज 2% प्लस 3%, 2 × 3%, that is equal to 8%. So this option is A. So these questions are quite easy questions. अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो इनमें से कोई भी question आपका miss नहीं हो सकता. Question number 14th. ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी और पूरी फिजिक्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं. बट उन कैलकुलेशंस पे कितना ध्यान देना है, आप उनको इग्नोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपने इसमें देखना है. यहाँ पे देखें, अगर हम मोटी सी बात देखें यहीं पर, यहाँ पर 22% है, टेंस में है आंसर. यहाँ पर 2% है, वंस में है. यहाँ पे डेसिमल के 1 पॉइंट में, डेसिमल के 2 पॉइंट में. फिगर आपके पास 2 आनी चाहिए, तो आपका आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ऑप्शन ठीक होगी. अब देखते हैं क्वेश्चन. सर्टन बॉडी वेज 22.42 ग्राम एंड हैज ए मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 सीसी. पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर. अभी पॉसिबल एरर लिस्ट काउंट ही होते हैं, मतलब कम से कम एरर उतना ही आएगा जितनी वैल्यू आप कम से कम नोट कर पाओगे. 0.01 ग्राम आप मास मेजर कर सकते हो छोटे छोटा, तो उतना ही एरर होगा. और 0.1 सीसी आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो कम से कम, उतना ही एरर हो सकता है. मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी, यहाँ पे तो इन्होंने मैक्सिमम एरर ही पूछा है, लेकिन नीचे जब ऑप्शन में परसेंटेज दे दिया तो इसका मतलब परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं. इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं. परसेंटेज एरर जहाँ पर पूछा जाता है हम सिंपली उसमें ऐड ही करते हैं. तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम
एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज परसेंटेज लिख देंगे, दैट इज परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यहां पे हम डायरेक्ट वॉल्यूम लेंगे, लेंथ नहीं लेंगे, क्योंकि हमको यहां पे वॉल्यूम ही दिया हुआ है। नाउ परसेंटेज एरर इन मास 0.01, दैट वाज टू बी मेजर्ड एट द इन द लीस्ट क्वांटिटी, द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मास दैट कैन बी मेजर्ड इज 0.01, दैट मीन्स पॉसिबल एरर। एंड 22.42 परसेंटेज निकालना है तो हम इनटू 100 करेंगे, प्लस वॉल्यूम जो लीस्ट क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं हम 0.1, एंड दिस इज 4.7 इनटू 100%। ये मेरे पास 100 को मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 आ रहा है 1/22 अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं इसको 25 भी 0.4 या 0.5 कंसीडर, अगर मैं 20 कंसीडर करता हूं तो 0.5, देन मीन्स ये मैं ले रहा हूं इसको 0.05 अप्रॉक्सीमेटली। आई एम सेइंग दिस अगेन, दिस इज जस्ट अप्रॉक्सीमेशन। प्लस आप एग्जैक्ट कर सकते हो तो 0.047 आ जाएगा। दिस इज 10/4.7, मैं इसको 5 ले रहा हूं यहां पे 10/, अगेन आई एम सेइंग दिस इज अप्रॉक्सीमेट। सो दिस विल बी 2.05, दैट इज आंसर इज बी, दिस विल बी 2%, अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी 2%। क्वेश्चन नंबर 15, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। अगर आप ध्यान से देखें, रूल्स पे जाएं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो जहां से कोई सिग्निफिकेंट डिजिट शुरू होती है उससे पहले के सारे डिजिट्स आप अनसिग्निफाइड कर दोगे। दैट मीन्स इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 और इसके अंदर हैं आपके पास 3। और जब भी आप कैलकुलेशन करते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो जिसमें मिनिमम जो फिगर्स होती हैं उन्हीं में आंसर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे 2 में होना चाहिए और ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये, दैट मींस 9.9 मीटर विल बी द आंसर, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई एंड जी, दिस इज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आपको डायमेंशंस बतानी है ई एंड जी। अब आपको ये अगर आपने याद कर रखी हैं तो याद भी हो सकती हैं, अगर नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे। ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ई अपॉन जी की डायमेंशंस आपने निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो। फार्मूले से करना, फार्मूले से करेंगे, फार्मूले से करना है तो आप ये देख लें, हाफ एम वी स्क्वायर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमको पता है एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो जी आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर बाई एम, एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एम स्क्वायर हम ऊपर ले जाएंगे। हाफ का यहाँ पे कुछ नहीं लेना देना, ये आपके पास आ गया एम थ्री वी टू एफ आर स्क्वायर, यूनिट्स लगा सकते हो, डायमेंशन लगा सकते हो, एम थ्री एल टू टी माइनस टू, एफ के डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू एल टू, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया एम टू एल माइनस वन टी नोट, दैट ऑप्शन इज बी। और भी लगा सकते हो आप, अगर आपको डायमेंशंस याद हैं, ई अपॉन जी एनर्जी के होते हैं, एम एल टू टी माइनस टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू,
इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया एम टू एल माइनस में टी नोट। तो देर आर मल्टीपल वेज, आप जैसे भी जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ML माइनस वन टी माइनस टू। यहां पे ML T माइनस टू, नीचे आपके पास L2 आएगा और L अपॉन L2 इज L माइनस वन, बाकी सब सेम है। 18th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज इंपल्स एंड सरफेस टेंशन। इंपल्स, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स मोमेंटम ओनली। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स एम टी माइनस टू। लेकिन यहां पे आपके पास एल आ रहा है इसके अंदर, सो दीज आर नॉट सेम। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, वर्क इज एम वी स्क्वायर, एनर्जी की फॉर्म ही होती है, और फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां पे आर आ रहा है, यहां पे बी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी इज वर्क एंड टॉर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। यस, दिस इज सेम, दिस इज ट्रू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी, नो, यंग्स मॉडुलस इज प्रेशर। वाई के सेम यूनिट होंगे जो कि प्रेशर के होंगे, एंड एनर्जी इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th, डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाय टू। ये आपने पढ़ा है अभी रिसेंटली, जो आप प्लस टू के स्टूडेंट रहे हैं आपको पता है ये। C इज इक्वल टू वन बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सेम चीज है, वन बाय रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एल टी माइनस वन, वेलोसिटी एल टी, दैट इज सी ऑप्शन इज देयर। 20th क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हम निकाल सकते हैं इसके डायमेंशंस। हाफ से कोई लेना देना नहीं क्योंकि इसके अंदर डायमेंशन कोई नहीं होंगे। एप्सिलॉन नॉट हमने अभी किया पीछे, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर, एंड ई इज एफ अपॉन क्यू, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पे एफ स्क्वायर था, यहां पे एफ है, ये आपके पास आ गया एफ आर माइनस टू, दैट मीन्स एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस विल बी द ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी देयर, यू कैन चेक इट। 21st क्वेश्चन, इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय एम ए एल बी टी सी, और आपको दिया है ए की वैल्यू 1, 0, माइनस 1, तो क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी में मास नहीं होता। ए की वैल्यू 1 का मतलब यहां पे मास दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। एक्सेलेशन में मास नहीं होता, एक्सेलेशन भी करेक्ट नहीं है। फोर्स में मास होता है, लेकिन यहां पे 0 दिया हुआ है, अगर 0 दिया है तो मास नहीं है, और देयरफॉर दिस इज ओनली बी प्रेशर। D option is there. 22nd question. Which two of the following five physical parameters have same dimensions? हमको निकालनी पड़ेगी हर एक की। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम,
एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज सिंपल ML2 T माइनस टू अपॉन L3, दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस वन हेयर एम माइनस वन एम एल माइनस वन टी माइनस टू. दिस इज दैट ऑफ प्रेशर यंग्स मॉडुलस. दिस इज सेम एज दैट ऑफ यंग्स मॉडुलस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दोनों के दोनों डायमेंशन लेस हैं, लेकिन टू एंड थ्री ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो मैग्नेटिक फील्ड का किसी के साथ होता नहीं. बाकी मैग्नेटिक फील्ड का अगर निकालना है, वी कैन फाइंड आउट एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी. बी से हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एफ अपॉन क्यू वी. एफ इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू क्यू आपके पास हो जाएगा आई इंटू टी और वी हो जाएगा एल टी माइनस वन. दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया, एल इससे कैंसिल हो गया. दैट मीन्स बी के हो जाएंगे एम एल नॉट टी माइनस टू आई माइनस वन. 23rd क्वेश्चन. डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास लेंथ टाइम. अब आपने निकालना है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आपको पता है वी अपॉन आई. V होता है W अपॉन Q इंटू आई, दैट मीन्स आई टू टी. सो वी मे फाइंड आउट फ्रॉम हेयर M L टू, दिस इज T, माइनस टू ऊपर है तो माइनस थ्री, दैट इज I माइनस टू. एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू, दिस ऑप्शन इज C. 24th क्वेश्चन. रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज एच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आई. आपको पता होगा मोमेंट डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. आप निकाल भी सकते हैं. कैसे निकालेंगे? H इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू से एम एल टू टी माइनस टू और यहां से न्यू जो है दैट इज टी एम एल टू टी माइनस वन. ये एंगुलर मोमेंटम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल टू. ये आ गया एम एल टू टी माइनस वन अपॉन एम एल टू टी माइनस वन. फ्रीक्वेंसी बी ऑप्शन इज देयर. 25th डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हम पहले भी निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं ये. जी इज इक्वल टू एफ आर स्केयर अपॉन एम स्केयर, दैट इज एम एल टी माइनस टू एल टू अपॉन एम टू, दैट इज एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू. डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ, ये हमने अभी पीछे किया, निकाल के भी दिखाया, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. एच इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एल से शो करते हैं, दैट इज एम एल टू टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम. 27th क्वेश्चन. विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस. एनर्जी एंड टॉर्क सेम है. ए इज सेम, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क इज सेम. आप कंफ्यूज ना होना, मैं एनर्जी को एफ इंटू आर बोल रहा हूँ. That means this is, हम dimension की बात कर रहे हैं तो energy is same as that of work and torque is F into R. Force and impulse ये दोनों different हैं. Force और impulse बराबर नहीं हो सकते because force is MLT minus 2 and impulse is momentum. Impulse होता है change in momentum. तो हम delta P ले लेते हैं, change in momentum, that is MLT minus 1. ये दोनों same नहीं है तो ऑप्शन आपके पास बी आ गई.
बाकी भी कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, सेम वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वही चीज़ आ गई। इलास्टिक मॉडल्स एंड प्रेशर, ये भी मैंने पीछे आपको डिस्कस किया कि मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो भी हो, चाहे वो यंग्स मॉडल्स हो, दैट इज इक्वल टू प्रेशर। डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, ये भी मैंने अभी आपको बताया, यहीं पे बताया, इम्पल्स इज लीनियर मोमेंटम। अगर आप दो या तीन बार इस वीडियो को देख लोगे, आपको अपने आप ही सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आने शुरू हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा फिजिक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम, टाइम कांस्टेंट, आपने ये प्लस टू में किया भी है, दिस इज टाइम कांस्टेंट। एल बाई आर भी टाइम कांस्टेंट होता है, आर सी भी टाइम कांस्टेंट होता है। तो एल बाई आर इज टाइम कांस्टेंट। 30th, अगेन डायमेंशंस ऑफ आर सी अगर टाइम कांस्टेंट है तो इसके यूनिट्स भी टाइम के बराबर है, दैट इज टी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर मैंने बहुत बार किया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पीछे वाले क्वेश्चन में काफी बार डिस्कस हो गया। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, मैं क्यों लिख रहा हूँ इतनी जल्दी, F के अंदर आ रहा है L, इसके अंदर आ रहा है L2, L अपॉन L2, L माइनस वन। 32nd, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट ऑफ द रिमेनिंग थ्री, निकाल लेते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, E अपॉन V, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन एल थ्री, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन टी माइनस टू, प्रेशर क्या आ गए। फोर्स पॉइंट एरिया सेम, फोर्स पॉइंट एरिया सेम हो गए ये वाले। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वोल्टेज का मतलब हो गया W अपॉन Q इंटू Q अपॉन वॉल्यूम, Q से Q कैंसिल हो गया, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन वॉल्यूम, अगेन इसका भी आपके पास यूनिट्स आ गए प्रेशर के, सेम ये भी सेम हो गया, तीनों सेम है। एंगुलर मोमेंटम, यस एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, दीज आर डिफरेंट, ऑप्शन आपके पास आगे डी। क्वेश्चन नंबर 33rd, डायमेंशन फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने अभी किया पीछे, ये फाइ इज इक्वल टू, फाइ तो नहीं किया लेकिन बी किया, बी ए एफ अपॉन क्यू इंटू वी इंटू ए एम एल टी माइनस टू, यहां से एरिया का एल टू आएगा तो मैं यहां पे थ्री लगा रहा हूं, क्यू आपके पास आ गया आई इंटू टी और वी आ गया एल टी माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स मेरे पास आ गया एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन। सी ऑप्शन। 34th क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, वी नो दैट बी इज इक्वल टू, और वी मे टेक अनदर रिलेशन, वी मे टेक दिस रिलेशन म्यू नॉट टू फोर अपॉन फोर पाए आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और वी मे टेक अनदर रिलेशन एज वेल, वन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई वन आई टू अपॉन आर,
द फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स और टू करंट्स, आर से ये वाला कट जाएगा, फोर पाई के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू एफ अपॉन आई टू, दैट मीन्स एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ऑप्शन ए इज देयर। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स हाउ डज वेलोसिटी चेंज विद डिस्टेंस, डेल्टा वी इज अ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द डिस्टेंस, इज गिवन बाय एफ इक्वल टू, वेयर ईटा इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा। दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी हमने सिर्फ लेनी है फिजिकल क्वांटिटीज, वी आर कंसर्न विद ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हेयर, डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड, इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, हमने ईटा की निकालनी है, दैट मीन्स एफ इंटू दिस इज डिस्टेंस, यू कैन टेक जेट, दिस इज एरिया, दिस इज वी, एम एल टी माइनस टू, दिस इज एल, एल टू टी माइनस वन, एल ऑल्सो देयर, इसका हो गया एल टी माइनस वन, this L, this L, this L will be cancelled, ML. So, this will become M, L minus 1, T minus 1. These are the dimensions of coefficient of viscosity. Next question is 36th. Dimensional formula of self-inductance. अब self-inductance के लिए आपके पास कोई ना कोई relation आपको जो याद हो आप लिख सकते हो, आपके पास रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी भी होता है, और यू आल्सो नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट इजिली E अपॉन आई स्क्वायर, दैट इज एम एल टू टी माइनस टू A minus 2. This option is D. Question number 37. Dimensional formula of torque. Torque same as that of work. Torque is equal to F into R. That is ML2 T minus 2. 38. If C and R denote capacitance and resistance, the dimensional formula, we have already discussed it. This is time constant. So this is T, that is M naught, L naught, T1. A option is there. Question number 39. Dimensional formula of angular momentum, L is equal to mvr, that is ml2t minus 1. This is the dimension. M is m, v is lt minus 1. यहाँ पे एक L और आ गया, ml2t minus 1. Question number 40. If force F, acceleration A time t are chosen as fundamental physical quantities, find the dimension of energy. दैट मीन्स हमने एनर्जी की डायमेंशन बतानी है, पर लेकिन एम एल एन टी की फॉर्म में नहीं बतानी है, फोर्स एक्सेलेशन और टाइम की फॉर्म में बतानी है, लेकिन तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपको इतना पता है कि फोर्स एक्सेलेशन टाइम में एम एल एन टी कितने आ रहे हैं, ताकि हमको रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाए। रिक्वायर्ड क्वांटिटी का मतलब कि एनर्जी को एक्सप्रेस करना है आपने किसके टर्म में, एफ दिस इज एक्सेलेशन नॉट एरिया, और टाइम की फॉर्म में एनर्जी की डायमेंशन होगी एम एल टू टी माइनस टू, एफ की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, दिस इज एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, दिस इज टाइम।
दैट मीन्स मेरे को क्या चाहिए, एम चाहिए, एम मेरे को सिर्फ फोर्स से मिलेगा तो फोर्स तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। फिर मेरे को एल टू चाहिए, एल टू, एल सिर्फ मेरे को इससे मिल रहा है और इससे मिल रहा है, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरे पास एल टू आएगा। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एल टू आ गया और एम भी आ गया और टी माइनस फोर आ गया, लेकिन मेरे को टी माइनस टू चाहिए। दैट मीन्स इस टी को मेरे को टू लेना पड़ेगा। अगर मैं ये लेता हूँ एफ ए टी टू तो मेरे पास एग्जैक्टली ये वाली डायमेंशंस आती हैं। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 41। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड, हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने लेंथ निकालनी है किस किस को कंबाइन करके, सी जी ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को। दैट मीन्स हमको पता होना चाहिए कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, सी एल टी माइनस वन, जी हम कर चुके हैं एम माइनस वन, एल थ्री टी माइनस टू, एंड ई स्केयर बाय फोर एप्सिलॉन नॉट भी हमको पता है, दैट इज एफ आर स्केयर, एफ आर स्केयर एम एल थ्री टी माइनस टू। एफ आर स्केयर कैसे आया, बिकॉज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्केयर बाय आर स्केयर, तो क्यू स्केयर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ इन टू आर स्केयर, यहाँ चला जाएगा और उसकी यूनिट्स आ जाएंगी एफ की एम एल टी माइनस टू इन टू आर टू एल टू। दैट मीन्स हमको इसमें से एल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, खाली एम चाहिए, दैट मीन्स हमको चाहिए एम नॉट एल टी नॉट, एम नॉट आना चाहिए, वो तभी हो पाएगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू तो वहाँ पर आएगी ही फाइनल रिजल्ट में, तो आप ऑप्शंस की हेल्प से निकाल सकते हो ऐसा किस किस ऑप्शन में अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन में सी में भी अवेलेबल है, डी में भी, ये नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। नाउ इसके अंदर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास ये आ गया एल सिक्स टी माइनस फोर, और चाहिए मेरे को खाली एल, अगर एल चाहिए मेरे को इस टी माइनस फोर को भी ख़त्म करना है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सी, लेकिन यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मेरे को हाफ तो करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास आ गया एल थ्री टी माइनस टू, अगर ये एल थ्री टी माइनस टू है, मेरे को टी माइनस टू को ख़त्म करना है विद द हेल्प ऑफ सी, और सी के अंदर है आपके पास एल टी माइनस वन, तो अगर मैं इसका सी स्क्वेयर ले लेता हूँ, मेरे पास इसमें आ गया एल टू टी माइनस टू, टी माइनस टू से ख़त्म हो गया, एल थ्री यहाँ पे, एल टू यहाँ पे, तो मेरे पास ये आ गया डायमेंशन एल। सो दिस ऑप्शन इज आपके पास डी अवेलेबल। आपको थोड़ा अपने आप इसको करके देखना पड़ेगा, ओनली देन You can get mastery over this. Next question, 42nd. Planck's constant h, speed of light c, Newton's gravitation constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimension of length? आपको length को express करना है. That means ये आपके पास m naught, l, t naught बननी चाहिए. एच है आपके पास एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज एम एल टू टी माइनस वन, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एल टी माइनस वन, जी हम पहले भी कर चुके हैं एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इन तीनों को मिला के हमारे पास ये आना चाहिए एम नॉट। अगर एम नॉट है दैट मींस सबसे पहले तो एच एंड जी इन दोनों को
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एम नॉट आएगा। ये वाला तो आएगा ही, ये किस किस में है, इसमें है, इसमें है, दैट मीन्स ये दो नहीं हो सकते। अब आप इन दोनों को लेके इजीली कर सकते हो, क्योंकि रूट एच जी है। अब एच इंटू जी कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा ये एम, एम जीरो हो गया, एल फाइव टी माइनस थ्री रेज टू पावर मैं हाफ करता हूँ तो मेरे पास आ गया ये एल फाइव बाई टू इंटू टी माइनस थ्री बाई टू। मैं इसको किससे डिवाइड करूँ इन दोनों ऑप्शंस में कि मेरे पास एल आ जाए, सी थ्री बाई टू, सी थ्री बाई टू करके देख लें आप, एल फाइव बाई टू सी थ्री बाई टू दैट इज एल थ्री बाई टू एंड टी माइनस थ्री बाई टू दिस इज एल। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बाई चांस अगर आप बी करके देखते और बी में ए करेक्ट नहीं आता तो आपके पास ए की ऑप्शन बचती थी ए, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, उससे आपका प्रूव हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज क्रिटिकल और एनी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेलोसिटी, आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा एक्स, रो वाई आर जेट, वेयर ईटा रो एंड आर आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लेना है, दैट मीन्स पहले हम इसकी डायमेंशन लिख लें एम नॉट एल वन। आप दो तीन बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईटा इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन, हमने ऊपर निकाली थी ये डायमेंशन, दिस इज एक्स। डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, दिस इज आर एल। नाउ एम नॉट, हमको एम के ऊपर नहीं चाहिए, दैट मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। इफ एक्स इक्वल टू वन y should be equal to minus 1, और if x equal to minus 1 y should be equal to 1, तो देख लेते हैं किसमें है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है c जिसमें अपोजिट है, दैट मीन्स राइट आंसर इज c ओनली। अगर आपने देखना है आप इसको करके देख सकते हो, पीछे हम काफी क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल पॉइंट, डायमेंशन ऑफ मास, दैट मीन्स यहां पे क्या है, मास को एक्सप्रेस करना है किस टर्म में, एफ वी एंड टी की टर्म में। एम का मतलब हो गया एम वन, एल नॉट, टी नॉट, हमको एल नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए। एफ है आपके पास एम वन एल वन टी माइनस टू, वी है आपके पास एल टी माइनस वन, और ये आ गया टी। हमको चाहिए खाली एम, दैट मीन्स एफ तो वहां पे होगा ही। अगर एफ हो गया तो यहां पे एल आ गया और टी माइनस टू भी आ गया। अब हमने एल, हमने अगर खत्म करना है तो हम एल को एलिमिनेट कर सकते हैं सिर्फ वी की हेल्प से। अगर v की हेल्प से करेंगे तो v की पावर माइनस वन आनी चाहिए, ओनली देन l विल बी एलिमिनेटेड। अब इन दोनों से डायमेंशंस क्या निकल के आ गई हैं, एक तो m आ गया आपके पास, m आ गया आपके पास, सेकेंड दिस इज l, दिस इज एल, ये कैंसिल हो गया, एल वन एल माइनस वन टी माइनस टू टी प्लस वन टी माइनस वन।
हमको ये इसको भी फिनिश करना है, टी को मतलब एलिमिनेट करना है, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स रिलेशन आपके पास जो आएगा एफ वी माइनस वन टी, डी ऑप्शन इज देयर। 45th क्वेश्चन, वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी, ए बी सी की डायमेंशंस निकालनी। वेरी सिंपल, यहां पे हम एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जब भी कोई दो क्वांटिटीज ऐड होंगी वो सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं। जैसे अगर मैं सिंपली इस पे देखता हूं तो अगर सी टी में ऐड हो रहा है तो सी की डायमेंशन जो है वो टी के बराबर ही होंगी, और जब भी इसमें ऐड हो जाएगा तो इस सारे की डायमेंशंस भी टी आएंगी। और अब ये क्वांटिटी आ रही है इसको इसको ऐड करके, दैट मीन्स इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशंस इसके बराबर हैं और इन दोनों के डायमेंशंस इसके बराबर है। दैट मीन्स बी की डायमेंशन जो आ गई वो क्या आ गई, v इंटू टी, दैट इज एल टी माइनस वन इंटू टी, दैट इज एल। ये b की डायमेंशन आ गई, ये आपके पास c की डायमेंशन थी, और a की डायमेंशन आ गई क्योंकि इन दोनों के डायमेंशन बराबर हैं v अपॉन टी, एल टी माइनस वन अपॉन टी, दैट मीन्स एल टी माइनस टू। सो ए की डायमेंशन आपके पास एल टी माइनस टू हैं, एल टी माइनस टू सिर्फ दो में है, बी और सी में। बी के डायमेंशन एल हैं, बी के डायमेंशन एल हैं, दैट इज ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 47, ए प्लस बी स्केयर, पी प्लस ए अपॉन बी स्केयर इक्वल टू बी थीटा अपॉन वी, वैन डर वाल्स इक्वेशन। दिस थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर पी इज द प्रेशर, वी आपके पास वॉल्यूम है, और थीटा आपको दे रखा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट डायमेंशन ऑफ ए। अगेन सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड, if this is pressure this is also pressure, that means a the dimension of ar that is equal to pv square, pressure is ml minus 1 t minus 2 and volume ki dimension ho jayengi l6, that is ml 5 t minus 2, so this is ml 5 t minus 2, option is c. 48th question, which of the following is dimensional constant, जिसकी dimensions भी होनी चाहिए और values की constant रहे। relative density, relative density keep on changing, this is density upon density dash or density dash upon density you can say, तो दो densities की ratio है relative density that keep on changing, तो इसको हम बोलेंगे dimensionless variable। जब हमने रेशो ले ली किसी चीज की तो उसकी डायमेंशन खत्म हो जाएंगी और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डायमेंशनलेस वेरिएबल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यस इट हैज फिक्स वैल्यू बट वैल्यू इज कांस्टेंट एंड डायमेंशंस हैं इसकी एसआई डायमेंशंस, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, अगेन दिस इज वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल ओनली। पॉइजन रेशियो, अगेन दैट इज आल्सो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस और यू कैन से सम डायमीटर अपॉन लेंथ, तो जितना चेंज होता है डायमीटर में अपॉन चेंज इन लेंथ दैट इज पॉइजन रेशियो, सो दिस इज आल्सो वेरिएबल डायमेंशनलेस, दैट मीन्स ये तीनों के तीनों डायमेंशनलेस वेरिएबल हैं, दिस इज डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट। 49th क्वेश्चन,
Turpentine oil is flowing through a tube of length L, radius R, pressure difference between the two ends of the, that means ये सारी की सारी आपको physical quantity दे दी, ये length दे दिया, ये R दे दिया, ये pressure दे दिया, ये viscosity दे दिया, V को आपने velocity बोल दिया, आपने dimensions निकालनी है, that means dimensions हम जो भी physical quantity हमको दी है हम उसके हिसाब से डायमेंशन लगाएंगे और हमारे पास रिजल्टिंग डायमेंशन आ जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड हैं 4VL. तो सिंपल प्रेशर की हम लगा देते हैं ML माइनस 1T माइनस 2, यहाँ पे ये आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर मैंने पहले बताया, डिस्टेंस के स्केयर में से डिस्टेंस का स्केयर माइनस कर रहे हैं तो डिस्टेंस का स्केयर ही आएगा, 4 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, दिस इज VLT माइनस 1 एंड दिस इज L, ये L2 यहाँ पे है, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया M L माइनस 1 T माइनस 1, यही डायमेंशंस होते हैं विस्कोसिटी के. क्वेश्चन नंबर 50th, टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू P नॉट, एक्सपोनेंशियल को हम ऐसे लिख देते हैं माइनस 80 स्क्वायर, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, दिस ए इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ए इज, तो कॉन्स्टेंट ए क्या है, कॉन्स्टेंट ए ई की जो भी पावर होगी वो हमेशा एक नंबर होगी, दिस इज सिंपली ए नंबर, डायमेंशनलेस, लेकिन ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए. यहां पर जिसके अंदर टी स्केयर आ रहा है दैट मीन्स टाइम का स्केयर आ रहा है, दैट मीन्स ए को क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा 1/ टाइम स्क्वायर, दैट मीन्स ए के डायमेंशन हो गए एम नॉट एल नॉट टी माइनस 2, सो हैज डायमेंशन टी माइनस 2, बी ऑप्शन इज देयर. क्वेश्चन नंबर 51st, पी रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर मीन्स प्रेशर, प्रेशर whether it is radiation pressure or anything else, but it contains pressure. C represents speed of light, speed of light LT minus 1. S radiation energy, energy per unit area per unit second. The non-zero integer xyz such that px sy cz is dimensionless. आपको देखना है कि ये सारा का सारा डायमेंशन लेस होना चाहिए, कब, इस प्रेशर को एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, इसको हम क्या पावर दें, एक्स की वैल्यू क्या हो, ये आपके पास आ गया, इसके डायमेंशन निकाल लो पहले आप, एम एल 2 टी माइनस 2 एरिया सेकंड, एम टी माइनस 3, दिस इज वाई, एंड एल टी माइनस 1, दिस इज जेड. तो हमने देखना है ये एम नॉट कैसे आएगा, एक्स और वाई एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, अगर एक्स 1 है तो वाई माइनस 1, तो देखते हैं किस किस ऑप्शन में है, एक बी में है एक सी में, तो आप किसी को भी लेके देख लो, अगर वो ठीक नहीं आएगा तो दैट मीन्स दूसरा होगा, तो मैं चूज करता हूं बी वाला, बी वाला चूज करेंगे तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एक्स की वैल्यू इसमें आ रखी है माइनस 1, एम टी माइनस 3, इसको मेरे को 1 लेना पड़ेगा और जेड 1 आ रहा है, दैट मीन्स, अब सिंपल सा है कि अगर इन सबको मिला के ये ऑप्शंस आती हैं, ये वाली ठीक होती है एम नॉट एल नॉट ई नॉट, तो आंसर ए हो जाएगा वरना सी हो जाएगा. These are the different ways to solve the question because वहाँ पर आपको अपने time का ध्यान रखना है. तो
तो देखते हैं, एम तो जीरो हो गया, एल प्लस वन यहाँ पे हो गया, एल प्लस वन यहाँ पे, प्लस वन यहाँ पे, एल टू आ गया। दैट मीन्स जब एल टू आ गया तो ये ऑप्शन गलत है, दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी देयर। आप चेक करके देख सकते हो, देख लेते हैं। एम एल माइनस वन, टी माइनस टू, इसके ऊपर मेरे पास वन आना चाहिए जो सी ऑप्शन है, माइनस वन, एल टी माइनस वन, इस सबको मिला के मेरे पास एम नॉट एल नॉट टी नॉट आना चाहिए। तो यहाँ पे एम की वैल्यू वन है, पावर वन है, यहाँ पे माइनस वन है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे आपके पास एल माइनस वन है, यहाँ पे एल प्लस वन है, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे टी माइनस टू है, यहाँ टी प्लस थ्री है, तो टी प्लस वन आ गया दोनों को मिला के, टी माइनस, यस दिस इज करेक्ट। मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप इसको ओरली भी कर सकते हो। 50 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज गिवन बाय एफ। यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज ए एम एक्स के वाई, और उसने पहले ही बोल दिया कि ए इज डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, तो इसको मैं ऐसे ही काट दूंगा। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स दिस इज टी माइनस वन, this is mx because this is mass, and ky, what is k, spring constant or force constant, f upon l, mt minus 2, आपके पास क्या आना चाहिए? एम इसमें नहीं है तो एक्स और वाई शुड बी अपोजिट टू ईच अदर, दैट मीन्स एक प्लस एक माइनस, तो इसमें ऑप्शन सी हो सकती है या फिर ऑप्शन डी हो सकती है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकती। ये अंडरस्टूड है कि दोनों पे हाफ आएगा, तो हम हाफ लगा के देख लेते हैं। इजी ये होगा, एक पे हाफ लगा लो, एक पे माइनस हाफ लगा लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, टी माइनस टू, टी माइनस हाफ, तो ये प्लस टी आएगा, दैट मींस ये हाफ और माइनस हाफ वाला ये नहीं है, दैट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। 53rd क्वेश्चन, if x equal to at plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometers and t is the time in seconds, the time, the units of b is, simple है जो मैंने आपको पहले बताया, अगर ये x किलोमीटर है, distance है, तो ये भी distance होगा, ये भी distance होगा। अगर ये डिस्टेंस है तो ए के जो यूनिट्स हो गए वो हो गए किलोमीटर पौन सेकंड, और बी के जो हो गए वो हो गए किलोमीटर पौन सेकंड स्क्वायर। यहां पे पूछा है बी किलोमीटर पौन सेकंड स्क्वायर, दैट इज सी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर था कंप्लीट यूनिट्स एंड डायमेंशन का, पिछले 34 इयर्स के क्वेश्चन आपने देखा। एक बार आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, और हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जिसका आप आंसर ना दे पाएं। आप इसको दो बार रीड कर लो, आपने जैसा भी अपना प्लस वन एग्जाम प्लस वन में किया होगा स्कूल टाइम में, बट लेकिन जो आपको बताया गया है इससे आप इसको पूरी तरह से समझ पाओगे
कहीं पे कंफ्यूजन हो कुछ अगर, तो आप अपनी बुक्स को थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, और अगर आपको ये ठीक लगा और आपको चाहिए कि आपको आगे के भी बाकी टॉपिक जो हैं वो इसी तरह से आपको मिलते रहें, पता चलता रहे मैं कब लोड अपलोड कर रहा हूँ उसको, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।